चलिए भाई अभी एक बार आप वॉइस चेक करें, अब आपके यहाँ पर जो है वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है? बिल्कुल टाइम पर रहते हो, देखो बिल्कुल यहाँ पर समय में पता चल गया हमें कि लाइव को लेकर यहाँ पर जो है वॉइस का इश्यू था। अभी बताएं आप यहाँ पर वॉइस आपके क्लियर है क्या? ठीक है चलिए भाई, चलिए कोई बात नहीं भाई, देखो कई बार टेक्निकल इश्यूज की वजह से यहाँ पर नहीं हो पाता है। चलिए विमल बिश्नोई यहाँ पर, सीमा मीरानी, यस। चलिए तो देखो यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एमसीक्यू भी क्लियर करेंगे। हर 4 से 5 टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे, इसलिए आप टॉपिक्स को सही से समझिएगा ताकि आंसर देने में और ज्यादा आपको मजा आएगा। तो देखो पहला यहाँ पर आपके सामने टॉपिक मैं जो है रखने जा रहा हूँ, तो पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है कर्नल क्या होता। देखिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये आप सभी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला है कर्नल, द कोर कंपोनेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कोर कंपोनेंट होता है दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज एंड इंटरैक्ट विद हार्डवेयर। ये सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम रिसोर्सेज जो होते हैं उसको मैनेज भी करता है और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने में भी आपको हेल्प करता है। तो ये यहां पर आपका पहला होता है कर्नल। तो कर्नल एक कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा होता है सेल क्या होता है, द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सवाल एज इट इज छपा हुआ परीक्षा के अंदर, ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच का जो इंटरफेस होता है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा सेल होता है। तो द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेटिंग द कमांड एंड एग्जीक्यूटिंग देम, यानी यूजर के द्वारा जो भी कमांड दिया जा रहा है तो उसको, यहां पर बात चल रही है कि ये ओएस होता है। अब यहां पर आपने जब मेरी पहली क्लास देखी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन को लेकर, तब मैंने बताया था कि यूजर जब हार्डवेयर के साथ जुड़ रहा होता है, यूजर इस हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट हो रहा होता है, तो उसके बीच में कड़ी के रूप में कौन काम करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से यूजर जो है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट हो पाता है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर इस यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो है यहां पर कौन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन होता है भाई, सेल होता है। आगे समझ में आप सभी को। अब यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर जुड़ना चाहता है जो भी कमांड देगा तो उसको इंटरप्रेट करने का काम आपका कौन करता है, सेल करता है। कौन करता है भाई, सेल, और उसके बाद उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तीसरा टर्मिनल क्या होता है, तो देखो ए टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, ये एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है जिसमें टेक्स्ट कमांड दिए जा सकते हैं दैट अलाउ, जो कि यूजर को अनुमति देता है टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम यूजिंग कमांड। ये एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, जैसे आपने सीएमडी देखा होगा, कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा, ऐसे जब आपने लिनक्स या जो भी आपने डेबियन वगैरह यूज किए होंगे तो वहां पर क्या होता है, आप कमांड दे रहे होते हैं तो उस कमांड के थ्रू आप उससे कुछ काम करवा रहे हैं उस मशीन उस हार्डवेयर से। तो यहां पर जो ये आपको ये जो फैसिलिटी देता है वो कौन देता है, आपका टर्मिनल देता है। 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब आपके सामने इन्हीं से संबंधित एमसीक्यू आ रहे हैं तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है। पहला सवाल आपके सामने यहां पर, व्हाट इज द कर्नल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर। लिनक्स के अंतर्गत जो कर्नल होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, 4 ऑप्शन है, जितना फास्ट दोगे उतना ज्यादा हम यहां पर फास्टली आगे बढ़ेंगे और आपके सारे के सारे लिनक्स के टॉपिक भी यहां पर आज इसके अंदर क्लियर करवाएंगे। चलिए अभी भाई लाइव के अंदर मेरे को नहीं लगता आपकी वॉइस का कोई इश्यू है, ये देख लीजिए अब आपको कोई आवाज का क्लियर नहीं है, यहाँ पर इश्यू नहीं आ रहा है। सॉरी, गुड आफ्टरनून भाई राधिका राजपूत। कंपाइलर और फेसेस को लेकर सिमरन जी, मैं कई बार आपको चीख चीख के बता चुका हूं, मैंने 1 घंटे की स्पेशल मैराथन क्लास डाल दी है, उसमें सारे स्टेप्स आपके 7 जो चरण है पूरे के पूरे मैंने क्लियर करवाए हैं। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे उसका लिंक भी आज मैं अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, आप सर्च भी कर सकते हैं कंपाइलर डिजाइन क्लास भाई संपत लेलर सर या एनवीरा एजुकेशन, आपको मिल जाएगी। तो देखो यहां पर बात चल रही थी कर्नल को लेकर, तो बिल्कुल यहां पर सभी का आंसर एकदम सही आ रहा है, तो हाथों हाथ पढ़ के आंसर उसका देना है आपको। तो यहां पर क्या चल रहा है, कर्नल जो होता है वो क्या करता है, आपको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होने और हार्डवेयर जो सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उसके रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है। अगले सवाल का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल का प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, जल्दी से बताइए। यहां पर लिनक्स के अंतर्गत जो सेल होता है उसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है, अभी जस्ट आपको मैंने यहां पर बताया था भाई, जल्दी लिखे यहां पर, थोड़ा फास्ट लिखे भाई।
बिल्कुल लिंक मिल जाएगा भाई आपको आज, अंकित मिताली हो जाए इंटरफेस। चलो तो देखो यहां पर बात चल रही है कि आपको अगर सेल की बात की जा रही है तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि यहां पर यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो है यहां पर इंटरफेस के रूप में कौन होता है, ओएस। तो इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो यहां पर मैंने सेल को अभी पढ़ाया था, तो यहां पर क्या है, इंटरप्रेटिंग यूजर कमांड्स एंड एग्जीक्यूट देम। पहले इंटरप्रेट करता है यूजर के जो कमांड्स होते हैं उनको, तो इसको यहां पर लाने पर ये जो कमांड होंगे उन कमांड को यहां पर लाने पर पहले इंटरप्रेट करेगा फिर उनको एग्जीक्यूट करेगा इस पेल पे, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, आपका सेल करता है। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने चौथा है, डिस्टॉर्शन क्या होता है। डिस्टॉर्शन अगर आपको पूछे या जिसको सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसको डिस्ट्रो भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रो क्या होता है, तो एक स्पेसिफिक वर्जन और वेरियंट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आप ये मान सकते हैं कि एक वर्जन हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा अलग अलग होते हैं, उबंटू है, डेबियन है, मिंट है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ए स्पेसिफिक वर्जन और वेरिएंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन बंडल्ड विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। तो अगर आपको पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रो क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग यहां पर जो है वेरिएंट या फिर आपका वर्जन हो सकता है जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेज मौजूद होते हैं, ठीक है। अगला आपको ध्यान रखना है फाइल सिस्टम क्या होता है। अब ये हम यहां पर बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का भी जो गरुड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है वो भी लिनक्स से मेल खाता हुआ है, उसके ऊपर भी जो है उसको हैकिंग पर्पस के लिए बनाया गया है जिससे उसके अंदर जो है सारे काम हो सके। फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो द स्ट्रक्चर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इन अ हायरार्किकल मैनर्स। अब फाइल सिस्टम उसे कहा जाता है जिसमें जो आपकी फाइल्स होती है, जो डेटा होता है वो स्टोरेज के अंदर एक हायरार्किकल मैनर्स के अंदर होता है। हायरार्किकल मैनर्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एक ड्राइव होती है, उस ड्राइव के अंदर फोल्डर हो सकते हैं, मल्टीपल कितने फोल्डर हो सकते हैं, जैसे अब उन फोल्डर के अंदर भी यहां पर आपके सब फोल्डर या आगे साके आप कितनी फाइल्स उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, इसीलिए हम इसको हायरार्किकल मैनर की बात चलाते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का देखो द हाईएस्ट लेवल डायरेक्टरी इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको अगर पूछा जाए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हाईएस्ट लेवल की जो डायरेक्टरी होती है वो कौन सी होती है, तो आपको क्या बताना भाई, रूट होती है। कौन सी होती है, रूट होती है, रिप्रेजेंटेड बाय। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान रखिएगा ये सवाल एज इट इज अभी आपके सहायक प्रोग्रामर वाले एग्जाम में आया हुआ था, तो एक बार सभी के लिखो रूट को यहां पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको इस सिंबल से यहां पर जो है फॉरवर्ड जो स्लैश है उसके सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार लाइव आपके कमेंट के चेक भी कर लेते हैं, मैं कम इन द क्लास, बिल्कुल मीना जी लेट नहीं आए भाई, टाइम पर जुड़े आप, ठीक है। एग्जाम तक पूरा जी जान से मेहनत के अंदर लग जाओ भाई, एक भी पॉइंट और एक भी आपका जो टाइम है वो उसको बर्बाद मत करो। कीर्ति दादी का आपका भी स्वागत, नीलम, अंकित, रश्मि दवे, इंडियन आर्मी। चलो अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी है और कॉन्सेप्ट कैसा लगा है भाई, साथ ही में आपको एमसीक्यू भी मिल रहे हैं। 29 कैंडिडेट ने तो भाई क्लास को देखते ही लाइक कर दिया है, बाकी के देखते हैं अभी आकलन में लगे हुए। तो रूट का मतलब होता है कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे हाईएस्ट लेवल डायरेक्टरी होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग होता है। अगला है आपका होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, ये एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है वेयर ए यूजर इज प्लेस्ड अपॉन लॉगिंग इन, टिपिकली रिप्रेजेंट बाय, और यहां पर ये जो है आपको सिंबल याद रखना है, ठीक है। होम डायरेक्टरी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और रूट डायरेक्टरी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश और ये आपका टिल्ड जो होता है इसके थ्रू हम यहां पर क्या करते हैं, होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया होगा तो आपको ये चीजें जो है एकदम इजी लग रही होगी, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं आपको हर एक बेसिक जो पॉइंट है वो भी साथ में क्लियर करवा रहा हूं। आगे समझो आपको, लास्ट पॉइंट है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, और ये सीएलआई की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब क्या होता है, सीएलआई का मतलब देखो एक इंटरफेस जहां पर यूजर जो है वो सिस्टम के साथ क्या करता है, कमांड के थ्रू क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, एन इंटरफेस वेयर यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय एंटरिंग टेक्स्ट कमांड, ठीक है। यूजर क्या करता है, टेक्स्ट कमांड को एंटर करता है, उसके माध्यम से उसके साथ कनेक्ट होने में वो सफल हो पाता है। तो यहां पर इसके अंदर कोई अगर आपको इश्यू आई तो ध्यान रख लीजिएगा, मैं एक बार फास्टली रिव्यूज कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अलग अलग वेरिएंट या वर्जन होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रो कहलाते हैं। फाइल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें डेटा को हायरार्किकल मैनर में स्टोर किया जा रहा है। तो आपको पूछा भी जा सकता है कि आपकी जो लिनक्स होती है उसके अंदर का जो फाइल सिस्टम है उसका क्या मैनर रहता है, तो आपको ध्यान रखना हायरार्किकल। अगला रूट का मतलब क्या होता है, फाइल लिनक्स फाइल सिस्टम में जो आपकी हाईएस्ट लेवल डायरेक्टरी होती है वो होती है आपकी रूट डायरेक्टरी, इसको फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर होम डायरेक्टरी की बात करें तो ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है और इसको यहां पर टिल्ड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस सीएलआई होता है, ठीक है। एक होता है यहां पर आपके जीयूआई भी होगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस,
जिसके माध्यम से यूजर टेक्स्ट बेस्ड जो कमांड होते हैं उसके माध्यम से वो मशीन के साथ इंटरेक्ट होता है। चलो सवाल आ गए भाई, जल्दी से बता दो। पहला सवाल आपका, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिनक्स, लिनक्स के संदर्भ में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। चार ऑप्शन जल्दी से दो, और जितना ज्यादा देखो फास्ट आंसर दोगे उतना ज्यादा हम आप आगे भी जल्दी से बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सारा हम डिस्कस करेंगे सिमरन जी, आप एक बार लास्ट तक क्लास को पूरी यहां पर क्लियर कर लीजिएगा। केपी कपिल गर्ग आपका भी स्वागत भाई, और जितने भी नए आए हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ये क्लास आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और आगे की भी क्लास आपसे मना मिस हो। चलिए भाई, श्री गंगानगर से जुड़ चुके हैं, ठीक है, सुबिता सैनी भी जुड़ चुके हैं, नीलम कीर्ति दादीच के सोनी, चलो 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 भाई जल्दी से बताओ। तो देखो यहाँ पर बात चल रही है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रो को लेकर, अभी जस्ट हमने बात की थी। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं ए, कैसे होगा भाई ए, यहाँ पर स्टोर करने का काम तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, वर्जन या वेरिएंट, इसको ट्रिकली याद रखो हर चीज को। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर शॉर्ट नोट साथ में बना रहे हो ना, ठीक है राधिका की तरह, तो आप यहाँ पर इसको देख लेना, सिर्फ पॉइंट का नाम लिखो, उसके साथ में आप क्या करो हैश मतलब पॉइंट करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसको लिख दो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है एग्जाम तक के लिए, मैं बताता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रो का मतलब होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन या जो वेरिएंट होते हैं जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेज मौजूद होते हैं, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रो कहते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द होम डायरेक्टरी रिप्रेजेंट भाई, रिप्रेजेंट इन लिनक्स, ठीक है, यहाँ पर आपका होम डायरेक्टरी क्या रिप्रेजेंट करता है लिनक्स के अंदर, बताइए क्या मतलब होता है होम डायरेक्टरी का। रूट डायरेक्टरी का तो आपको पता है हाईएस्ट लेवल डायरेक्टरी होती है, जल्दी से लिखो भाई जल्दी से, फास्टली स्पीड में लिखोगे उतना जल्दी हमारे यहाँ पर जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जिनके भी यहाँ पर क्वेश्चन है रिलेटेड लिनक्स वो हम सारे के सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप क्लास को लास्ट तक देख लो, आपका सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखो अभी हमने डिस्कस कर लिया था इसको कि अगर आपको यहाँ पर जो है होम डायरेक्टरी की बात करें तो ये हमेशा क्या होती है डिफॉल्ट डायरेक्टरी, इसको आप अपने पास में लिख लो, हमेशा के लिए काम आएगा आपके एग्जाम के टाइम, सिर्फ ये एक दो तीन और चार वर्ड देखते सारा आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें फिर पीडीएफ आप ओपन करके बैठे नवान हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखो यहां पर होम डायरेक्टरी का मतलब होता है कि एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है, रिप्रेजेंट किससे करता है इसको, टिल्ड साइन से। और अगर मैं बात करूं यहां पर आपको रूट डायरेक्टरी, तो रूट डायरेक्टरी क्या होती है, सबसे हाईएस्ट डायरेक्टरी होती है, सबसे हाईएस्ट डायरेक्टरी होती है जिसको यहां पर जो है फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लेना, मैं हर एक चीज को बता रहा हूं, और ये जितने नोट्स है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड ही आपके रखे हैं जिसको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने नोवा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस CLI हमने क्लियर कर लिया। GUI के अंदर क्या होता है, CLI में क्या था, आपने टेक्स्ट बेस्ड आप क्या करते हैं कमांड देते हैं इंटरेक्ट होते हैं। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो यूजर को अनुमति देता है इंटरेक्ट विद द सिस्टम यूजिंग ग्राफिकल एलिमेंट लाइक विंडोज एंड आइकन। अब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो आप फाइल को OPEN लिखो और उसके आगे फाइल का नाम लिखो, एक तो वो तरीका आपका टेक्स्ट कमांड देने का। लेकिन एक वही आप ओपन के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करो या डबल क्लिक करो वो वहां पर ओपन हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहां पर, आप उस ग्राफिक्स की मदद से उसके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, कंट्रोल प्लस एस से करके आप सेव कर रहे हैं या फिर आप सेव कमांड देकर जो भी आप कमिट वगैरह दे रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको वहां पर जो है सेव का अगर आपको आइकन दिखेगा कैसा रहेगा, जल्दी रहेगा, तो ये GUI होता है। अगला टर्मिनल एम्युलेटर क्या होता है भाई, देखो टर्मिनल एम्युलेटर का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम, ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड अ ग्राफिकल विंडो टू एक्सेस द कमांड लाइन। अब कमांड लाइन को एक्सेस करने के लिए जो आपको ग्राफिकल विंडो प्रदान करता है वो करता है टर्मिनल एम्युलेटर। सभी के सभी याद रख लीजिएगा, किसी भी कमांड लाइन को यहां पर जो है एक्सेस करने के लिए जो ग्राफिकल विंडो होती है वो कौन देता है, टर्मिनल एम्युलेटर देता है। कौन देता है, टर्मिनल एम्युलेटर देता है। अगला पॉइंट है पैकेज मैनेजर का मतलब क्या होता है, तो पैकेज मैनेजर के अंदर ध्यान रखिएगा एक ऐसा टूल, अ टूल फॉर इंस्टॉलिंग अपडेटिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर पैकेज ऑन अ लिनक्स सिस्टम। अब आपको यह भी पूछ ले जाए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपके जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए या उसको बाद में आप अपडेट करना चाहें या फिर मैनेज करना चाहें तो ये जो फीचर है, ये जो सुविधा है वो कौन देता है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपको एक टूल होता है जिसका नाम है पैकेज मैनेजर, वो आपको देता है। आया समझ में। अगला सेल स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, ये सवाल आपका और ये सवाल, इस सवाल का कंप्यूटर अनुदेशक में फुल फॉर्म पूछा गया था, सभी को याद होगा, और इस सवाल को लेकर यहां पर जो है आपको एज इट इज की डेस्क्रिप्शन को लेकर सवाल पूछा गया था सत्य असत्य कथन के अंतर्गत। सवाल क्या है, सेल पॉइंट क्या है, सेल स्क्रिप्ट का मतलब एक ऐसी स्क्रिप्ट, अ स्क्रिप्ट रिटन इन अ सेल लैंग्वेज,
एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको शेल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है टू ऑटोमेट टास्क बाय एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ कमांड। एक साथ बहुत सारी जो सीरीज ऑफ कमांड होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहां पर एक ऑटोमेट टास्क होते हैं इसके अंदर, जिसको किस में लिखा जाता है, शेल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। तो वो होती है आपकी शेल स्क्रिप्ट। आ गया भाई सभी को समझ में, शेल स्क्रिप्ट यहां पर जो है एक प्रकार से शेल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। शेल लैंग्वेज में लिखे गए कुछ ये ऑटोमेट टास्क होते हैं जिसको एक से अधिक कमांड यानी सीरीज ऑफ जो कमांड्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लिया जाता है यूज में। और लास्ट आता है SSH यानी जिसको कहते हैं सिक्योर शेल। और अगर SSL पूछा जाएगा तो जल्दी लिखो SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखो SSL का फुल फॉर्म क्या होगा। लाइव के अंदर देखते हैं एक बार क्या चल रहा है सीन, क्लास कैसी लग रही है भाई, साथ में जरूर बताते रहिएगा सभी के सभी, ठीक है। और वीडियो को आगे भी शेयर करना है। 67 यहां पर अभी लाइव चल रहे हैं और उसमें से अभी यहां पर देखा जाए तो लगभग यहां पर 54 कैंडिडेट ने वीडियो को लाइक भी कर दिया है, हार्दिक आभार। चलिए भाई, तो देखो यहां पर सभी के आंसर भी आ रहे हैं। सिक्योर SSL का मतलब SSL की पूछ चुकी है यहां पर। सर टर्मिनल वापस डिस्कस करो, कौन सा टर्मिनल चाहिए भाई कीर्ति बताइए। आप इस टर्मिनल अगर एमुलेटर की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर एक बार जल्दी से यस करिए, या किसी और टर्मिनल की बात भी चल रहे हैं। प्रहलाद नारायण दोस्त से नमस्कार, सर आप आईटी कंपनी क्या हुआ भाई, वॉच मोर सिक्योर सॉकेट लेयर बिल्कुल ठीक है। चलो भाई हम कीर्ति का एक छोटा सा रिक्वेस्ट मानते हैं, उनको यहाँ पर पॉइंट नहीं आया समझ में, मैं बहुत खुश हूँ कि भाई आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है आप उसको वापस पूछने के लिए भी तैयार है। तो टर्मिनल एमुलेटर का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जो कि देखो आपको अब कमांड देना है, जैसे विंडोज के अंदर आप एक समझो कि आप विंडोज में यूज कर रहे हो, विंडोज के अंदर आप विन प्लस आर करके जैसे सीएमडी करते हो उस रन कमांड के अंतर्गत, तो कमांड प्रॉम्प्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है मान लो, तो ऐसे ही आपको लिनक्स के अंदर भी जो कमांड है उस कमांड लाइन को एक्सेस करने के लिए जो ग्राफिकल विंडो होती है ना वो देने का काम कौन करेगा बेटा, ध्यान रखिएगा आपको यहां पर टर्मिनल एमुलेटर देता है। कौन देता है, टर्मिनल एमुलेटर देता है। चलिए तो यहां पर आपको ध्यान रखना SSH का मतलब होता है सिक्योर शेल और SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब SSH के अंदर क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल जो कि यहां पर सिक्योर रिमोट एक्सेस टू लिनक्स सिस्टम, लिनक्स सिस्टम को रिमोटली अगर आप सिक्योरली अगर एक्सेस करना चाहते हो, रिमोटली मतलब क्या होता है दूरस्थ जगह पर जो उपस्थित हो, मतलब जो दूर स्थित हो या दूसरी जगह पर हो, तो उसको अगर आपको सिक्योरली एक्सेस करना है तो उसके लिए यहां पर आपको जो है एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज होता है SSH, उसको यूज करना पड़ेगा। आगे आपको सभी को समझ में। चलो अब हम ट्राई करते हैं, अभी जो हमने यहां पर ये पॉइंट क्लियर किया है इससे संबंधित क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए तो यहां पर पहला सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए पैकेज मैनेजर इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पैकेज मैनेजर का यूज क्या होता है। देखो ये मुझे ट्रिक सबसे शानदार लगी है और मैं कहता हूं लिनक्स के यहां पर वीडियो की खत्म होने के साथ साथ ये सारे मुख जबानी याद रहेंगे आपको। शेल स्क्रिप्ट का मतलब होता है सिमरन जी, शेल स्क्रिप्ट जो है शेल लैंग्वेज में लिखी गई है। अब देखो एक तो आप एक कमांड देते हो, लेकिन अगर आपने मल्टीपल कमांड्स किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रखे या मल्टीपल कमांड्स आपके पास है, सीरीज ऑफ कमांड्स हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली यहां पर जो है एग्जीक्यूट किया जा सके, तो इसके लिए यहां पर जो है शेल स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा, जो कि शेल लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है भाई। और जो अभी क्लास ले रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जितने भी हैं यहां पर आप साथ में बता रहेगा भाई, अरे बोल ना दो भाई एग्जाम नहीं होगा वो है, छोड़ो आप अपनी तैयारी के अंदर रखो। तो देखो यहां पर बात चल रही थी आपके पैकेज मैनेजर को लेकर, पैकेज मैनेजर को लेकर मैंने आपको, अब देखो आप जो भी साथ में नोटबुक लेके बैठे आज मुझे इसकी एक फोटो भी डालनी है आपको पर्सनली, मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा और जो मुझे देगा आज उसको मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा कि देखो इस बच्चे ने या इस बच्ची ने लास्ट तक मैं तैयारी की और मैं उसको यहां पर जो है सपोर्ट करूंगा अपनी तरफ से। चलो तो यहां पर पैकेज मैनेजर की बात चल रही है, तो पैकेज मैनेजर को लिख के यहां पर डैश करके इसके अंदर सिंपल सा लिख दो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अपडेट और मैनेज करने के लिए जो यहां पर पैकेज टूल होता है वो आपका क्या होता है पैकेज मैनेजर होता है। आगे समझ में आप सभी को। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है व्हाट डज SSH प्रोवाइड फॉर लिनक्स सिस्टम, अभी आपको याद करवाया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में SSH जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है बता दो, जल्दी करो भाई यहां पर आंसर अपना फास्टली लिखो आप सभी के सभी। 66 यहां पर
हाँ उन पे आप ध्यान ही मत दो भाई, एग्जाम आगे जा रहा है, होल्ड हो रहा है, हट रहा है, छोड़ो उनको। ऐसे ही ये लोग बहुत टाइम से कहते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इन पे ध्यान दो ही मत। और ध्यान रख लेना आपके हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको स्पेशली कह देता हूं। नागालैंड से राम राम भाई, स्वागत आपका भी रॉयल फौजी। चलिए, कंप्यूटर टीचर का बिल्कुल आपके वैकेंसी आएगा, 100% आएगा। अब तो 30 दिन का यहाँ पर आपके चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। रतन जी सैनी सर भी हमारे साथ मौजूद है। तो देखो, व्हाट डज द एसएसएल प्रोवाइड फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैंने आपको इसको याद करने का ट्रिक दिया था कि जब भी एसएसएच की बात चल रही है तो आपको यहां पर टीवी का रिमोट उठा लेना है। रिमोटली यहां पर आपका जो डिवाइस बहुत दूर जो मौजूद है, उस डिवाइस के साथ सिक्योरली अगर आपको कनेक्ट होना है तो उसके लिए किसका यूज करोगे? आप सभी एसएसएच का यूज करोगे। किसका? एसएसएच का यूज करोगे। तो सिक्योर रिमोट एक्सेस टू अ लिनक्स सिस्टम। तो बेटा लिखो सभी के सभी, जितने भी यहां पर जो लिख रहे हैं साथ में, मैंने आपको बोला है कि लास्ट में मोबाइल नंबर पे आपको उनकी फोटोज डालनी है, जो डालेगा मैं उसको यहां पर जो है सपोर्ट करूंगा। तो एसएसएच जो होता है वो आपको यहां पर सिक्योरली लिनक्स, जो रिमोटली जो लिनक्स होते हैं उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल आप सभी के सामने, 14 पॉइंट आ चुका है, तो अब इन पॉइंट को समझिएगा, फिर और हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और यही आपको लास्ट तक रहना है। और अगर आप चाहते हैं कि सारे टॉपिक्स इसी तरीके से आपको करवाए जाए तो जल्दी से सभी के सभी यस लिख देना। नेक्स्ट टॉपिक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट से एंड तक का पूरा करवाऊंगा मैं आपको। चलो अगला पॉइंट क्या कह रहा है भाई आपको, अगला पॉइंट देखो, फाइल परमिशन क्या होता है। फाइल परमिशन मतलब होता है सेटिंग दैट कंट्रोल हु कैन रीड, एक ऐसी सेटिंग जो कि यह तय करेगी कि कौन उस डेटा को रीड कर सकता है, कौन उस डेटा को राइट कर सकता है, या कौन उस डेटा या उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये जो परमिशन होती है वो आपकी क्या कहलाती है? फाइल परमिशन कहलाती है, ठीक है। अगला, रूट यूजर क्या होता है? चलो जल्दी से बता दो, साथ साथ में रिवाइज करना जरूरी है। यहां पर रूट डायरेक्टरी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है? लिखो, रूट डायरेक्टरी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पर जल्दी से बताओ भाई, मैंने आपको होम डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी दोनों को याद करवाया था, क्लास में मजा इसी तरीके से जाएगा भाई। देखो जितना ज्यादा आप बार बार रिपीट करोगे ना उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। और एग्जाम इस वीडियो को खत्म होने के बाद शायद एक या दो जो इधर उधर की बातों में ध्यान है, बाकी सब के सब यही बोलेंगे कि सर पूरी क्लास याद हो गई बस, इसीलिए मैंने जानबूझ के इनके बीच बीच में एमसीक्यू डाले हैं। बिल्कुल आज की क्लास लेटेस्ट है भाई। चलो भाई, यहां पर बिल्कुल, यहां पर कीर्ति, मिताली, वॉचमोर सभी एकदम सही आंसर दे रहे हैं। यहां पर आपको ये जो है फॉरवर्ड स्लैश होता है वो क्या करता है? रूट यूजर को। और बेटा होम डायरेक्टरी के लिए किसका यूज करोगे आप सभी? तो आपको यहां पर कहना है टिल्ड का। किसका? टिल्ड का यूज करना है, ठीक है। चलो यहां पर बात कर रहे हैं फाइल परमिशन को लेकर, तो फाइल परमिशन को यहां पर समझ में आ गया, एक ऐसी सेटिंग जो तय करती है कि कौन उस डेटा को रीड राइट या एग्जीक्यूट कर सकता है। अगला आपका यहां पर रूट यूजर क्या होता है? रूट यूजर का मतलब देखो, द सुपर यूजर। अब ये ध्यान रखना, ये भी आपका एज इट इज जो है आईटी असिस्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनमें से कौन एक सुपर यूजर से रिलेट करता है? तो वो करता है आपका रूट यूजर, ठीक है। द सुपर यूजर विथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मतलब उसको अधिकार दिए हुए होते हैं, ऑन डिनोटेड बाय रूट। ध्यान रख लेना, ये तीन पॉइंट इसमें से बन रहे हैं आपके, कि आप लिनक्स के अंतर्गत सुपर यूजर कौन होता है? रूट यूजर, या रूट यूजर का दूसरा नाम क्या है? सुपर यूजर। सुपर यूजर जो होता है, सुपर यूजर मतलब क्या है कि मैं ये मान के चलूं कि मेरी एक क्लासेज है, उस क्लासेज के अंतर्गत मान लो कि 10 बच्चे हैं, 10 में से किसी एक बच्चे को मैंने कह रखा है कि भाई तुम्हें इन सभी का ध्यान रखना है, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी एक्शन लेना है तो तुम ले सकते हो, किसको बाहर निकालना निकाल सकते हो, किसी को ऐड करना कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी तुम्हें कोई डिसीजन लेना है तो भी ले सकते हो। तो सारे के सारे उसको यहां पर क्या मिले हुए हैं? यहां पर प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उसको अधिकार मिले हुए हैं। तो वो यहां पर कौन होता है? वो होता है हमेशा रूट यूजर, या यहां पर आपका कौन होता है? सुपर यूजर। लिखो एक बार सभी के सभी, रूट यूजर स्लैश सुपर यूजर। अब इस सुपर यूजर है, रूट यूजर को यहां पर किससे डिनोट करते हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है, किससे डिनोट करते हैं बेटा? रूट से यहां पर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे समझ में आप सभी को, ये यहां पर आपका क्लियर हो चुका है रूट यूजर। तो रूट यूजर यानी सुपर यूजर, सुपर यूजर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस वाला व्यक्ति होता है जिसको यहां पर किससे डिनोट करते हैं? रूट से। तो सवाल भी बन सकता है, सुपर यूजर को किससे डिनोट करते हैं? रूट से डिनोट करते हैं। अगला है सुडो। ये सवाल तो पूरा रट लेना भाई, इस पॉइंट को तो पूरा रट ही लेना आप। सुडो के अंतर्गत, सुडो क्या होता है? एक कमांड, एक ऐसा कमांड दैट अलाउ अ परमिटेड यूजर टू एग्जीक्यूट अ कमांड इज द सुपर यूजर, ठीक है। सुपर यूजर के समान आप अगर यहां पर सुडो कमांड का यूज कर रहे हैं तो ये आपको, ठीक है, एक कमांड दैट अलाउ अ परमिटेड यूजर, जिस यूजर को परमिट दे दिया आपने
उसको यहां पर जो है सुपर यूजर के तौर पर यहां पर जो है कमांड देने की अनुमति देता है, वो देता है आपको कौन, सुडो। अगला था ग्रेप, और ये चीज आप ध्यान रख लेना, ये सवाल आपके यहां पर जो है आरपीएससी प्रोग्रामर के एग्जाम में भी आया हुआ है। ग्रेप वाला जो है जिन्होंने इस चीज को देखा होगा वो यहां पर याद उनको आ चुका होगा, सुडो ग्रेप, ये ध्यान रखना आपके यहां पर जो है ये वाला जो एग्जाम है जो आरपीएससी के अंतर्गत एक और आपके जो है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर जो होता है उसके अंदर भी सवाल आ चुका है। चलिए रूट सुपर यूजर, रूट सुपर यूजर आता है या ओम विमल बिश्नोई, आइए के पेपर में नया राजस्थान जी आएगा, बिल्कुल आएगा, नया राजस्थान भी आएगा आपको, मैंने उसके लिए यहां पर क्लास डेली ले रहा हूं, शाम वाली मॉडल पेपर वाली क्लास जरूर देखें आप सभी। ग्रेप के अंदर क्या होता है, एक कमांड लाइन यूटिलिटी फॉर सर्चिंग पैटर्न इन टेक्स्ट फाइल, ये सवाल एजटीज छपा हुआ है, ध्यान रख लेना। पॉइंट विद ग्रेप का मतलब क्या होता है, मैं इसको सारा हटा देता हूं, ग्रेप का मतलब क्या होता है, एक कमांड लाइन यूटिलिटी होती है किसके लिए, आप अगर टेक्स्ट फाइल में से किसी भी पैटर्न के बेस पर अगर सर्चिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए किसका यूज करेंगे, ग्रेप का यूज करेंगे। तो एक बार जितने जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे लिखो यहां पर, ग्रेप क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट फाइल में से पैटर्न को सर्च करने की एक जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या होती है भाई, ग्रेप होती है। क्या होती है, ग्रेप होती है, ध्यान रखिएगा। लिखो 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 भाई, रूट तो सबसे ऊपर में आ जाएगा भाई आपका, चलो लिखो 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 जल्दी से, यहां पर जल्दी से लिखो भाई यहां पर। चलो तो देखो, ग्रेप जो होता है वो टेक्स्ट फाइल में से यहां पर जो है आपके पैटर्न के आधार पर अगर आपकी कोई सर्चिंग करनी है तो आपको यहां पर ग्रेप, तो ग्रेप को याद करने का ट्रिक क्या, रखो ग्रेप लिख दो, उसके आगे आप लिख दो यहां पर पैटर्न सर्चिंग, बस इतना सा लिख दो, ग्रेप पैटर्न सर्चिंग। आगे जाके मैं वापस पूछूंगा आपको पैटर्न के बेस पर सर्चिंग का अनुमति कौन देता है, फैसिलिटी ग्रेप देता है। सुडो क्या होता है, जिसने पूछा यहां पर साबिर जो कह रहे हैं, सुडो क्या होता है, सुडा के अंदर देखो यहां पर एक कमांड लाइन दैट परमिटेड यूजर टू एग्जीक्यूट ए कमांड एज अ सुपर यूजर। अगर आप, अब आप नॉर्मल यूजर हो समझ लो, लेकिन आप अगर उसमें जो कमांड दे रहे हो वो एज सुपर यूजर के तौर पर देना चाहते हो तो वो यहां पर आप सुडो करते हो। चलिए मैं एक और चीज याद करवाता हूं कि आपने विंडोज आप यूज कर रहे होते हैं तो अब जब आप किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वहां पर तो एक तो एज नॉर्मल यूजर डबल क्लिक करके आप कर लेते हैं, लेकिन आपने कई बार राइट क्लिक करके वहां पर ओपन विद या फिर आपके रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जिसने रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट देखा है वो सभी यूज करो और वो सभी यस करो सॉरी। तो ध्यान रखिएगा वो एज कॉन्सेप्ट यहां पर पूछा जा रहा है कि आप अगर नॉर्मल यूजर है लेकिन आप एज सुपर यूजर के तौर पर अगर उसके अंदर कमांड आप देना चाह रहे हैं तो वो सुविधा आपको कौन देता है, सुडो देता है, कौन देता है, सुडो देता है। और ग्रेप क्या करता है, आपका पैटर्न यहां पर जो है पैटर्न के बेस पर सर्चिंग करने की अनुमति देता है। आ गया, चल टार, ये सवाल भी आया हुआ है ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों पॉइंट पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपर्स के अंदर आपको यहां पर जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। टार वाला सवाल एज इट इज आया हुआ है, याद कर लेना, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा पेपर का बाद में। ए कमांड फॉर अचीविंग, ठीक है, आर्काइविंग फाइल एंड डायरेक्टरी इनटू अ सिंगल फाइल, अगर आपके पास जो भी फाइल्स है उसको आप लंबे टाइम के लिए आर्काइव का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जिस मतलब ऐसी फाइल्स जिसको आप बाद में लॉन्ग टाइम तक यूज में लेना चाह रहे हैं तो उसको आर्काइव करेंगे, तो आर्काइव करने के लिए जो मतलब बहुत सारी फाइल्स है, मान लो आपके पास पांच फाइल्स है, 1 2 3 4 5, इन पांचों को अगर आपको एक सिंगल फाइल के अंदर आर्काइव करना है तो उस स्थिति के लिए आपको किसका यूज करना है, टार का यूज करना है। किसका यूज करना है, टार का यूज करना है। अब आपने जिप का नाम सुना होगा, जिप जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर आप यूज करते हैं तो बहुत सारी फाइल है उसको क्या करते हैं आप कंप्रेस करके एक के अंदर डाल देते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना, ये टार वाला बहुत सारा परीक्षा के अंदर आता है। तो सभी के सभी यहां पर एक बार जिनको जिप का फुल फॉर्म पता है वो लिखो सभी, ZIP का आपने सुना होगा, ZIPRAR, वो यहां पर जल्दी से बता दीजिए भाई, ZIPRAR, बिल्कुल आइए के ग्रेप यूज टू पैटर्न सर्चिंग, वेरी गुड राधिका राजपूत। चलिए लिखो 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 भाई जल्दी से, चलिए भाई चिप का फुल फॉर्म नहीं है कोई बात नहीं, चलिए भाई बिल्कुल यहां पर रोसल आर्काइव एकदम सही है, रोसल आर्काइव बिल्कुल सही है आपका भाई,
और फेसबुक से जो भी है यहाँ पर सभी के सभी देखो नोट्स को टाइम टू टाइम आप अपने पास अपडेट करते रहेगा, ठीक है। तो टार एज जो आप जिप यूज कर रहे होते हैं मतलब उसके अंदर आप मल्टीपल फाइल को कंप्रेस करके रख रहे हैं, वो इस काम अगर आपको लिनक्स में करना है तो वो कौन करवाएगा? रे टार करवाएगा। अगला सवाल है आपका डेमोन। डेमोन ये मुझे लगता है कि ये अभी यहां पर जो ये पॉइंट आए हैं वो आपके एग्जाम को लेकर तो बहुत शानदार होने वाले हैं, ठीक है। चलो ये यहाँ पर डेमोन है, इस डेमोन को अभी मैंने परीक्षा के अंदर नहीं देखा लेकिन मुझे यहां पर आपको ये बताना है कि इसको छोड़ के बाकी जो पॉइंट है वो आपके एग्जाम को लेकर सुपर डुपर हिट होने वाले हैं। तो देखो डेमोन क्या होता है आपका डेमोन के अंदर, और ये ध्यान रख लेना ये क्लास आपके, आप चाहें तो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर क्लियर करवाया था, आपके जो हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट और सिस्टम ऑफिसर की भर्ती है उसमें तो इसको पूरा रटके ही चले जाएगा क्योंकि ये वहां पर बहुत आपके लिए तगड़ा होने वाला है। डेमोन के अंदर क्या होता है, ए बैकग्राउंड प्रोसेस दैट रन विदाउट डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन, ठीक है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस होती है जिसके लिए यहां पर यूजर को वहां पर जो है इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। एक वो फाइल होती है जिसको यूजर को डबल क्लिक करके ओपन करना होता है, एक वो होती है जो यहां पर जो है ऑटोमेटिकली यहां पर रन होती है। तो वो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट यहां पर बताया जा रहा है कि एक ऐसा बैकग्राउंड प्रोसेस जिसमें यूजर के बिना इंटरेक्ट किए भी उसको क्या किया जा सकता है, रन किया जा सकता है, वो होती है डेमोन प्रोसेस। ध्यान रखिएगा। अगला आता है पीआईडी। तो पीआईडी का मतलब क्या होता है, प्रोसेस आईडी होता है, ध्यान रखना पीआईडी का मतलब होता है प्रोसेस आईडी। तो ये क्या होता है पीआईडी, अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू ईच प्रोसेस रनिंग ऑन अ लिनक्स सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जितनी भी प्रोसेस चल रही है उसको एक यूनिक आईडी देने का कार्य जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर पीआईडी के अंदर। समझ लो इसको कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक वायर सार्क ओपन कर रखा है, यहाँ पर आपने मान लो कि एक और कोई आपने प्रोग्राम ओपन कर रखा होगा, कोई दूसरी प्रोसेस आपकी चल रही होगी, इसी स्थिति में आपने आपने मेटा एक्सप्लॉइट आप चला रहे होंगे, तो यहाँ पर मान लो कि 3 से 4 प्रोसेस चल रही है। अब मैं यहाँ पर मानता हूँ इसका P001 है, ये P002 है, ये P003 है, 133 है। तो यहां पर क्या हो गया, प्रत्येक प्रोसेस को आपने क्या कर दिया, एक यूनिक प्रोसेस आईडी दे दी। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट आ रहा है, पीआईडी जो होता है वो प्रत्येक प्रोसेस को क्या करता है, यूनिक आईडी देता है। तो फटाफट अभी एक बार यहां पर फास्ट रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। फाइल परमिशन क्या होता है, एक ऐसा कंट्रोल सेटिंग जो कि यूजर को डिसाइड करवाता है कि वो कौन सा डेटा रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। रूट यूजर क्या होता है, रूट यूजर जो है वो एक प्रकार से सुपरवाइजर होता है जिसके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक अधिकार सारे इसके पास ही होते हैं, जिससे वो किसी भी फाइल्स के अंदर चेंजेज कहीं पर भी डेटा को चेंजेज वगैरह कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसको डिनोट करने के लिए रूट आपको यूज करना है। अगला है सुडो। सुडो क्या होता है, एक ऐसा कमांड होता है जो कि किसी भी नॉर्मल यूजर को एज सुपर यूजर की तरह बिहेव करने या फिर एज सुपर यूजर की तरह कमांड देने के लिए हेल्प करता है सुडो। ग्रेप का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा कमांड लाइन यूटिलिटी होती है जिसके माध्यम से आप टेक्स्ट फाइल में पैटर्न के बेस पर सर्चिंग कर सकते हैं। अगला आता है टार। टार के अंदर क्या होता है, किसी की भी फाइल को आर्काइव करने के लिए यानी मल्टीपल फाइल को एक सिंगल फाइल में आर्काइव करने के लिए किसका यूज होता है, टार का यूज होता है। अगला आता है डीमोन। क्या होता है, डीमोन का मतलब होता है ये एक ऐसी बैकग्राउंड प्रोसेस होती है जिसको यूजर के बिना अनुमति के यानी यूजर के इंटरेक्शन के बगैर ही आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पीआईडी मतलब क्या होता है कि लिनक्स के अंतर्गत जितने प्रोसेस चल रहे होते थे तो प्रत्येक प्रोसेस को एक यूनिक आईडी देने का काम कौन करता है, पीआईडी करता है। जल्दी से लिख दो भाई यहां पर, अब आपके सामने सवाल है, आंसर आपको देना है यहां पर। व्हाट डू फाइल परमिशन कंट्रोल इन लिनक्स, लिनक्स के अंतर्गत जो है फाइल परमिशन आपको क्या अनुमति देता है बताओ। तो अब देखो एक्सीलेंट क्लास चल रही है, मजा आ रहा है, तो इसको आगे शेयर भी कर दो जल्दी से भाई, शतक तो लगना ही चाहिए यार, शतक लगता है तब मजा आता है। लिखो 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 भाई यहां पर, चलिए 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 भाई बिल्कुल। यहां पर देखो फाइल परमिशन को यहां पर लेके चल रहा है, ठीक है। तो फाइल परमिशन को लेकर मैंने आपको अभी जस्ट डिस्कस करवाया था, तो आप सभी ने वहां पर जो है इसको क्लियर भी किया था। तो देख लीजिए यहां पर आपका, तो यहां पर आपके जो है फाइल परमिशन जो होता है वो क्या करता है, किसी भी फाइल को रीड राइट और एग्जीक्यूट करने की अनुमति देने वाला एक माध्यम है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है। बिल्कुल यहां पर आपको मैंने अभी डेमोन बताया था ना भाई, डेमोन
ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस होती है जिसमें यूजर के बगैर ही आप उसको क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। जिप का नहीं हुआ क्या भाई, जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जिप, ठीक है, जिप्ड भी कह सकते हैं वैसे आप इसको। अगला है, हु इज द सुपर यूजर विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेज इन लिनक्स। लिनक्स के अंदर जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेज होता है वो यूजर कौन सा होता है बताओ, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, रूट बीर होता है, रूट यूजर होता है, या फिर आपका सुपर एडमिन होता है। लिखो 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 फटाफट स्पीड से करो भाई। देखो चलिए भाई शुभम जी, अब देखो शुभम जी आप सभी इतने फॉर्म में आ चुके हैं तो हम यहां पर जो है इस क्वेश्चन को क्लियर करने के साथ जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अपनी ईमानदारी से, देखो मैं आपके लिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट बोलोगे वो इसी तरीके से बहुत इजी वे में आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो एक बार जल्दी से इसको जितने आपके टेक्निकल ग्रुप है शेयर कर दो जल्दी से। यहां पर अभी लाइव की वॉचिंग जो होगी ना वो बता देगी कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हो अपने भाई को। रश्मि दवे, नीलम, जोनल आईटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जोनल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, वेरी गुड एलिसा वर्मा, सी 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 सी, बिल्कुल यहां पर रूट यूजर होगा। और अभी मैं से देख लो सिर्फ 4 यूजर ने शेयर किया है, ठीक है, सिर्फ 4 यूजर ने आप में से शेयर किया है। अब देख लो ये आपकी स्थिति है। मैं चाहूंगा 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से इसको शेयर कर दो, जितने हैं एक बार शेयर कर दो। मैं भी देखना चाहता हूं कोई ढीठ होके यहां पर कौन बैठा रह सकता है, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट की जाए उसके बाद में भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे तो फिर मजा क्या है भाई। क्योंकि मैं इसको पीडीएफ को बनाने के लिए कल रात 11 बजे बैठा था और रात के 3 बजे यहां पर इस नोट्स को बना के तैयार हुआ था। अब उसको अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर तो क्या करें भाई आपके लिए। क्लास के डेली टाइमिंग आपके 12 बजे की रहती है दोपहर में, और शाम को 4 बजते आपके लिए मिक्स सब्जेक्ट्स की यहां पर जो है मॉडल पेपर की क्लास मिल जाती है भाई। चलिए भाई आपके ऊपर वैसे भी कोई मतलब नहीं चल रहा है इसका, यहां पर 6 कैंडिडेट, सिर्फ इतना कहने से 2 यूजर को यहां पर जो इफेक्ट पड़ा कोई बात नहीं। चलो तो यहां पर कौन सा यूजर जो होता है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस सारे होते हैं एज सुपर यूजर की तरह, तो वो होता है रूट यूजर। कौन सा होता है भाई, वो होता है आपके यहां पर रूट यूजर। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट डज द सुडो कमांड अलाउ अ यूजर टू डू इन लिनक्स। लिनक्स के अंदर अगर आप सुडो कमांड यूज कर रहे हैं तो वो यूजर को क्या अनुमति देता है, अब बताओ यहां पर। अगर आप सुडो अगर कमांड यूज कर सकते हैं तो उसे क्या मिलता है आपको बताइए। शुभम, राधिका, थैंक यू, जल्दी बताओ भाई यहां पर इस प्रश्न के अंदर आपका कौन सा आंसर होगा। सुडो कमांड अगर आप लिनक्स के अंदर यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है। चलिए भाई, अब मैंने आपको बताया था कि आप जब sudo कमांड यूज कर रहे हैं तो अगर आप एज ए नॉर्मल यूजर है और उस कमांड को एज सुपर यूजर के तौर पर अगर आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं विंडोज के अंदर, तो उसके तौर पर अगर आप करना चाहते हैं तो यहां पर sudo यूज करते हैं। तो यहां पर क्या है सुपर यूजर, इसको ट्रिक भी याद कर सकते हो। सुपर यूजर की बात आती है कौन है यहां पर कमांड देगा, तो वो SU सुपर यूजर देगा। अब ये सुपर यूजर जो है यहां पर sudo या यहां पर क्या कर सकता है, अगर अब वो मेन अधिकारी बन गया तो वो क्या कर सकता है, किसी फाइल को डिलीट नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता है। इंस्टॉल नहीं कर सकते क्या सॉफ्टवेयर, बिल्कुल कर सकता है। क्रिएट नहीं कर सकता क्या न्यू यूजर, बिल्कुल कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव यहां पर इसके अंदर सही होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज द डेमॉन इन लिनक्स। लिनक्स के अंदर डेमॉन क्या होता है भाई बता दो, लिनक्स में डेमॉन का मतलब क्या होता है। sudo like a super user, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल जी हां एकदम सही आता है आपका आंसर रश्मि दवे। चलिए भाई, तो देखो यहां पर डेमॉन के बारे में हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। यहां पर डेमॉन का मतलब होता है एक ऐसी बैकग्राउंड प्रोसेस जिसमें यूजर के इंटरेक्शन के बगैर ही उसको क्या कर सकते हैं आप, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यूजर को इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहां पर बैकग्राउंड में रन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, उसको यहां पर डेमॉन कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको क्या कह रहा है, 21वां पॉइंट आ चुका है। 21वां पॉइंट कह रहा है सेल प्रॉम्प्ट को लेकर। सेल प्रॉम्प्ट क्या होता है, द टेक्स्ट और सिंबल डिस्प्लेड इन द टर्मिनल
टू इंडिकेट दैट द सेल रेडी टू यूजर इनपुट। अब आपको अगर पता हो तो मैंने पाइथन की क्लास ली थी, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पाइथन आप जब यूज कर रहे हैं तो उस समय आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो सेल है, आप जहां पर कमांड दे रहे हैं, वो इंटरप्रेटर रेडी है। तो वहां पर मैंने आपको यहां पर ऐसे एक तीन सिंबल बताए थे, उनको कहते हैं प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट जो है पाइथन में आपको इंडिकेट करते हैं कि आप यहां पर कमांड देने के लिए रेडी है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट चला रहे हैं तो वहां पर आपको इस प्रकार का कमांड देखने को मिलता होगा जो कि ये बताता है कि ये कमांड इनपुट लेने के लिए तैयार है। तो इसी प्रकार से लिनक्स के अंदर ऐसे सिंबल्स जो कि उस टर्मिनल में आपको ये इंडिकेट देते हैं कि भाई अब आप यहां पर इनपुट दे सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, सेल प्रॉम्प्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल प्रॉम्प्ट कहते हैं। अगला आता है एनवायरमेंट वेरिएबल, किसे कहते हैं लिनक्स में? तो देखो, ए वेरिएबल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय प्रोसेस रनिंग इन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर जितनी भी प्रोसेस चल रही है उनके द्वारा कौन कौन से वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एनवायरमेंट वेरिएबल कहलाते हैं। अगला था फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? तो लिनक्स के अंदर यहाँ पर जो है फाइल एक्सटेंशन इजी है। यहाँ पर द सफिक्स अटैच्ड टू अ फाइल नेम इंडिकेट द फाइल टाइप ऑफ फॉर्मेट। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप फाइल यूज करते हैं उसमें सफिक्स के तौर पर यूज किया जा रहा है वो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मान लो कि मेरे एक कंपनी का लोगो है ये envira.jpeg, तो यहां पर ये क्या कर रहा है? फाइल का एक्सटेंशन ही है, आपको बता रहा है किस प्रोग्राम से रिलेटेड है। अगला था आपका GUI डेस्कटॉप एनवायरमेंट क्या होता है? तो ये सिंपल है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा जो कि आपको उस लिनक्स जो एनवायरमेंट है उसके साथ कनेक्ट होने में हेल्प करेगा। अगला था आपका यहाँ पर स्वैप स्पेस क्या होता है? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। आप स्वैप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप सभी स्वैप कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर? स्वैप स्पेस, सॉरी, डेसिनेटेड एरिया ऑन स्टोरेज डिवाइस यूज एज अ वर्चुअल मेमोरी वैन फिजिकल रैम इज अनसफिशिएंट। आपके पास जो फिजिकली रैम लगी हुई है, आपकी जो मेमोरी लगी है, अब उसमें आप डेटा अगर नहीं डाल सकते हो तो वहां पर एक क्या होता है, वर्चुअल एरिया क्रिएट कर दिया जाता है जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं, और ये जो होता है वो होता है आपका स्वैप स्पेस। क्या हो जाएगा? स्वैप हो जाएगा, ठीक है। अगला था आपका इनिट सिस्टम क्या कहलाता है? इनिट सिस्टम यहाँ पर क्या होता है? द फर्स्ट प्रोसेस स्टार्टेड बाय द लिनक्स कर्नल। लिनक्स कर्नल के द्वारा सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट की जाती है वो होती है आपकी यहाँ पर इनिट सिस्टम, इनिशियलाइजेशन सिस्टम, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग द सिस्टम। आ गया समझ में? उस सिस्टम, अब आपने बायोस को पढ़ा होगा, बायोस से सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग की जाती है कि वो चेक कर रहा होता है कि आपके जो हार्डवेयर, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है वो जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, अंदर के जो भी धीरे धीरे जो प्रोग्राम होते हैं उनको भी इनिशियलाइज करना शुरू करता है। तो ये चीज अच्छी शानदार रही है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था इनिट सिस्टम क्या होता है। ये किसी भी लिनक्स कर्नल के द्वारा स्टार्ट की गई सबसे पहली यहाँ पर जो है प्रोसेस होती है जो कि आपके सिस्टम को इनिशियलाइज करता है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला आता है कर्नल मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है? तो कर्नल मॉड्यूल देखो, पीस ऑफ कोड, एक ऐसे पीस ऑफ कोड होते हैं दैट कैन बी लोडेड इनटू द कर्नल टू एक्सटेंड इट्स फंक्शनलिटीज, ठीक है। ये कर्नल में लोड होने के साथ क्या करते हैं, उसकी जो फंक्शनलिटी होती है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये कार्य आपका कौन करता है? कर्नल मॉड्यूल्स करता है। कौन करता है? अरे कर्नल मॉड्यूल्स करता है। यहां तक अगर पॉइंट के अंदर आपको कोई भी इश्यू आया तो जल्दी से बताएं, फिर एमसीक्यू की बात करते हैं हम यहां पर। थैंक यू भाई जिन्होंने शेयर कर दिया है, और बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं आप में से लगभग 19 कैंडिडेट ने इस वीडियो को शेयर किया है, 54 में से 19 कैंडिडेट ने शेयर किया है, आभार आपका। द डायरेक्ट यूजर, चलो चलिए भाई, यहां पर आपको कोई इश्यू नहीं आ रहा है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमसीक्यूज को लेकर। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है पॉइंट्स को लेकर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज अ सेल प्रॉम्प्ट। इनमें से कौन सा एक सेल प्रॉम्प्ट को लेकर अच्छा जो है यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन देता है, बताइए। स्वैप स्पेस का मतलब होता है यहां पर सिमरन जी कि आपके पास जो फिजिकल मेमोरी मौजूद है कंप्यूटर के अंदर वो क्या है यहां पर आपकी इनसफिशियंट, मतलब वो अपर्याप्त है, वहां डेटा नहीं डाल सकते हो। तो अब वहां पर अगर आपको डेटा डालना है तो वहां पर क्या होगा, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर दिया जाएगा। तो यह कार्य स्वैप स्पेस में कर दिया जाता है। हिंदी में साबिर जी, बिल्कुल दे रहा हूं मैं,
ठीक है, हिंदी के अंदर बिल्कुल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं सारी की सारी डेफिनेशन। जो भी कैंडिडेट कॉल कर रहे हैं ध्यान रखें, अभी लाइव क्लास चल रही है, रेडी फॉर यूजर इनपुट सेल प्रॉम्प्ट। चलिए भाई, यहां पर सभी के आंसर आ रहे हैं और मजा आ रहा है आज की इस क्लास को, कि इस क्लास को खत्म करने के साथ ही आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर भी हो जाएंगे। बिल्कुल, तो यहां पर आपके सामने एक ऐसे टेक्स्ट और सिंबल्स जो कि ये इंडिकेट करवाते हैं आपको कि आपका जो यहां पर प्रॉम्प्ट है, वो जो सेल है, वो इनपुट लेने के लिए रेडी है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एनवायरमेंट वेरिएबल। प्राइमरी पर्पज एनवायरमेंट वेरिएबल का क्या हो सकता है वो आपको जल्दी से बता देना, यहां पर स्पीडली बताओ। एनवायरमेंट वेरिएबल को लेकर यहां पर जो है प्राइमरी पर्पज उसका क्या होगा ये आपको बताना है। और जितने लाइव है फटाफट लिखे भाई आंसर, जिससे आपके नेक्स्ट भी स्पीड लेके आए। गजेंद्र जी यादव यार, थोड़ा तो समझ लो आप ग्रेजुएशन पूरी करके यहां पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। नॉर्मल तो इंग्लिश तो आपको आती होगी, और नहीं आती है तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उससे ज्यादा तब क्या करूं। अब आपके अगर इन कॉन्सेप्ट को मैं हिंदी में लिखूं ट्रांसलेट करूं तो फिर टाइम कितना जाएगा, ये भी सोचो। आपके एग्जाम नजदीक है, आप मेरे को हिंदी में बोलते हुए यहां पर सुन रहे हो, वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, सोचो क्या होगा फिर आपका। चलिए, प्रोसेस रनिंग इन द सिस्टम। तो देखो यहां पर क्या चल रहा है कि यहां पर एनवायरमेंट जो वेरिएबल होता है उसका मतलब होता है कि आपके सिस्टम पर जो प्रोसेस चल रही है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर करने का काम कौन करता है आपका, ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट वेरिएबल करता है। कौन करता है? एनवायरमेंट वेरिएबल करता है। अगला सवाल है, व्हाट डज अ फाइल एक्सटेंशन सिग्निफाई। आपको जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या यहां पर जो है प्रदर्शित करता है, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए विराट जी, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मेरी कोशिश है, मैं अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में साथ में पढ़ा रहा हूं तो फायदा आपको ये होगा कि आप जब एग्जाम जाते हैं एग्जाम देने तो वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश लिखा आता है। तो अगर यहां पर प्योरली आपने हिंदी पढ़ के आप चले गए और वहां पर अगर मान लो कि उस सबसे रिलेटेड अगर आपको इंग्लिश नहीं मिली तो ऐसे स्थिति में फिर आपको वहां पर जो है एग्जाम मतलब आंसर देना आपको जो है मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपके लिए यहां पर एक तो वर्ड लिखूं यहां पर स्टेक, ठीक है, यहां पर आप देख लीजिएगा। अब मैं इसको हिंदी में कहता हूं स्टेक, हम हिंदी में मतलब होता है ढेर। अब मैं सवाल पढ़ते टाइम बोलूंगा ढेर के अंदर कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, तो फिर आप खुद कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप थोड़ा सोच के उस चीज को देखिए। मेरे को यहां पर इसके अंदर इसको हिंदी में करने का कुछ नहीं है, करना क्या कॉपी पेस्ट ही करना है। लेकिन आप सोचो कि अगर आपको इस तरीके के वर्ड मिलेंगे तो ये थोड़े कॉन्फ्लिक्ट वर्ड होंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, बाकी मेरा कुछ नहीं जा रहा है यहां पर। चलिए, तो देखो फाइल एक्सटेंशन क्या बताता है कि जो फाइल आप सफिक्स का पॉइंट यहां पर याद रखना है, एक सफिक्स जो कि ये बताता है कि वो जो प्रोग्राम या जो फॉर्मेट है वो किससे संबंधित है, तो सी वाला ऑप्शन यहां पर इसके अंदर सही होता है। अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका 28वां। 28वां पॉइंट कह रहा है पार्टीशन का मतलब क्या होता है। पार्टीशन ए लॉजिकल डिवीजन, लॉजिकली मतलब होता है कि आपने यहां पर मान लो कि 1 TB की हार्ड डिस्क आपने इंक्लूड कर दी उसके अंदर, अब आपने 400 GB की उसके अंदर दे दी आपने मेन प्राइमरी सिस्टम सी को मान लो, या बाद में डी को और दे दिया ऐसे, तो उसके आपने अलग अलग भाग कर दिए लॉजिकली कंप्यूटर के अंदर, तो ये जो पोर्शन होता है वो आपका क्या होता है पार्टीशन के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है आपका फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड क्या होता है, FHS का फुल फॉर्म लिख लो एक बार जल्दी से। FHS का फुल फॉर्म होता है फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। क्या होता है? फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या होता है? एक ऐसा स्टैंडर्ड डिफाइनिंग द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज ऑफ लिनक्स सिस्टम। लिनक्स सिस्टम के अंतर्गत जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करने का काम कौन करता है आपका, वो करता है फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अगला आता है आपका इनकोड। अब इनकोड के अंदर क्या होता है? ए डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर मेटा डेटा अबाउट अ फाइल ऑन अ सिस्टम। अब मेटा डेटा को लेकर आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन हर जगह देखने को मिलता है, डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में जो जानकारी होती है वो आपके क्या कहलाती है, डेटा अबाउट है, ये भी ध्यान रखिएगा, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो यहां पर क्या कह रहा है ये इन आई नोड जो होता है सॉरी वो क्या कह रहा है, ए डेटा स्ट्रक्चर, ये एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है क्या, फाइल सिस्टम के बारे में जो भी मेटा डेटा होता है। फाइल सिस्टम के बारे में मेटा डेटा क्या हो सकता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, उस फाइल का नेम क्या है, एक्सटेंशन क्या है,
वो किस टाइप की फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, उसको एक्सेस करने का प्रिविलेज, तो उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर डेटा है, मेटा डेटा है, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, ये आई नोड करता है। अगला आता है प्रोसेस, किसे कहते हैं, प्रोसेस आईडी मैंने बता दिया था, सिंपल सा है, एन इंस्टेंस ऑफ रनिंग प्रोग्राम इन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जो भी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी जो स्थिति है वो आपका क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है। अगला आता है अप टाइम, किसे कहते हैं, ये सवाल भी परीक्षा में आया हुआ है, अप टाइम का मतलब क्या होता है, द टाइम दैट लिनक्स सिस्टम हैज बीन रनिंग सिंस द लास्ट रिबूट, यानी लास्ट टाइम आपको आपने उसको कब रिबूट किया था, तो उसके बाद से लेकर अब तक जो सिस्टम चला है उसका जो टाइमिंग होता है वो कहलाता है अप टाइम। समझिए यहां पर आपका यहां पर लास्ट सिस्टम आपने मान लो कभी भी चालू किया होगा, आपने यहां पर 5:40 पे शुरू किया मान लो, मैं आपको समझा रहा हूं, और ये आपने 6:20 पे ऑफ कर दिया, तो यहां पर इसका ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा, यहां पर आपका अप टाइम कहलाएगा, रिबूट के बाद की बात ध्यान रखिएगा वापस स्टार्ट करने को लेकर। फिर आता आपका सेल पाइपलाइन, ठीक है, अब एक ध्यान रखिएगा बूटिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो परीक्षा के अंदर आपको बूटिंग के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं, कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग को लेकर, तो जो सिस्टम पहले से बंद है, ठीक है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि जो सिस्टम ऑलरेडी बंद है उसको आप स्टार्ट कर रहे हो एकदम फ्रेशली, वो आपका क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। लेकिन वार्म बूटिंग का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम पहले से चल रहा है और अगर उसको आप रीस्टार्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग कहेंगे। तो ये तो आपका पहले से बंद सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ये रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चल अगला पॉइंट आता है सेल पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट पूरा बताया था, हैजार्ड्स को भी बताया था। पाइपलाइनिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका काम है उसको अलग अलग स्टेप्स में बांट देना। अब अगर उसको स्टेप्स को पार कर रहे हो, वहां पर अगर बीच में आपको कोई दुविधा आ रही है, वो प्रोसेस नहीं चल पा रही है, तो जो प्रॉब्लम बीच में आ रही है उसको कहते हैं हैजार्ड्स। क्या कहते हैं, हैजार्ड्स कहते हैं, क्लास पूरी ली हुई है उस पर। सेल पाइपलाइनिंग का क्या मतलब होता है, कनेक्टिंग मल्टीपल कमांड्स टूगेदर टू पास द आउटपुट ऑफ कमांड एज द इनपुट टू अनदर, किसी अन्य के द्वारा जो भी इनपुट किया गया कमांड के तौर पर। तो यहां पर क्या है, जितने कमांड है, देखो मल्टीपल कमांड, मान लो कि मैंने एक कमांड दे दिया उसके अंदर इसको ओपन करो, एक कमांड दे दिया मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दो, एक कमांड दे दिया इसके अंदर ये डेटा राइट कर दो, एक कमांड दिया इसको अपडेट कर दो, तो मल्टीपल कमांड्स को यहां पर मल्टीपल कमांड्स को कनेक्ट करके यहां पर क्या करना है, आपको एज आउटपुट के तौर पर पास करना है, तो वो काम आपका कौन करेगा, सेल पाइपलाइन। मैंने आपको पहले भी बताया था अलग अलग चरण के अंदर काम चल जाएगा। फिर आता टीटीवाई क्या होता है, ठीक है, टीटीवाई के बारे में देखो, टीटीवाई का मतलब होता है ए टर्मिनल डिवाइस यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो यहां पर एक प्रकार का ये टर्मिनल डिवाइस होता है जो इनपुट करने के लिए आउटपुट करने के लिए यूज होता है, उसको कहता है टीटीवाई, ठीक है। चल अगला आता है आपका यहां पर सी एच रूट, ठीक है, सी एच रूट क्या होता है भाई, एन ऑपरेशन दैट चेंजेस द रूट डायरेक्टरी फॉर द करंट रनिंग प्रोसेस। अब आपकी कोई प्रोसेस चल रही है, अब उसकी रूट डायरेक्टरी को अगर आपको चेंज करना है, कि मान लो कि मैं ये समझता हूं कि आप एक एग्जांपल समझिए कि एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर कोई बच्चा कक्षा 5 के अंदर बैठा है, उसको आपको यहां पर जो है प्रिंसिपल जाता है और उस कक्षा 5 में से उस बच्चे को यहां पर 6 में लाता है या 10 में लाता है, तो ये जो यहां पर जो घटनाक्रम चल रहा है वो किससे रिलेट करता है, सी एच रूट से, ध्यान रखिएगा, चेंज रूट जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, चेंज रूट, लिखो सभी के सभी एक बार, सी एच रूट मतलब चेंज रूट, लिखो एक बार जितने भी हैं यहां पर, एक बार सी एच रूट का फुल फॉर्म लिखो, चेंज रूट, देखते हैं तब तक कोई आपको इश्यू नहीं आया यहां तक का, सी एच रूट मतलब चेंज रूट, चलिए आवाज एकदम क्लियर है, कोई बात नहीं गजेंद्र जी, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी मेरा ये मानना है कि आप इस क्लास को भी लीव कर दें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मेरी क्लास से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर मुझे दुख होगा कि भाई मैंने आपको यहाँ पर जोड़ा और इस कंटेंट से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, जितने भी जो भी है, ठीक है, कोई जबरदस्ती भी आपको पढ़ा नहीं सकते, मेरा कोशिश ये है कि मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, और मैंने इसको ट्राई भी किया था, इसको हिंदी में करोगे तो एक बहुत ही अजीब, मतलब हिंदी का यहाँ पर ये है, इसका जो यहाँ पर ट्रांसलेटिंग होगा वो थोड़ा सा अजीब होगा, तो उसको बाद में समझाने में और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो
तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं वैसे आपके लिए, आप नहीं लिख सकते या उसको इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंटर करते समय एरर आ रही है तो उसको आप एक बार, मेरे ये मानना है कि आप वीएमवेयर को अपडेट करें, अगर वीएमवेयर के थ्रू आप कर रहे हैं तो। वो वैकेंसी अलग है भाई, ध्यान रखिएगा, जो DSSS भी गई है TGT की अलग से अब आएगी। चले भाई, तो देखो यहां पर आपका CH रूट मतलब होता है चेंज रूट, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई फाइल है उसकी आप अगर चाहते हो कि जो प्रोसेस चल रही है आपकी करंट जो रनिंग प्रोसेस है उसकी डायरेक्टरी को आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना चाहते हो, लेना जाना चाहते हो, तो उसके लिए चेंज रूट ऑप्शन CH रूट का यूज होता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और यहां पर सवाल आ चुके हैं इन पॉइंट्स को लेकर। पहला है आपके, व्हाट इज द प्राइस पार्टीशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में पार्टीशन का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ भाई यहां पर। अनामिका मेथड ऑफ फुल फॉर्म ऑफ TTY, बिल्कुल बता देंगे। पाइपलाइनिंग का क्या काम है, पाइपलाइनिंग का भी मैंने बताया भाई विराट जी कि पाइपलाइनिंग के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डेटा उसके अंदर डाल रहे हो, मतलब जो कमांड दे रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो कमांड्स है मल्टीपल कमांड्स को सिंगल यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, सिंगल उसके अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। लिख दिया भाई सभी ने यहां पर, जल्दी से यहां पर लिखो, देखो लिखो, स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आपको अगर पूछा जा रहा है कि पार्टीशंस का मतलब क्या होता है, तो मैंने इसको याद करने का भी ट्रिक दे दिया है आपको कि जब भी पार्टीशंस की बात आती है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में पार्टीशन, तो पार्टीशंस का मतलब होते हैं हमेशा लॉजिकल डिवीजन को याद रखना है। ये लॉजिकल डिवीजन होता है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आ गया भाई सभी को समझ में, डेटा को लॉजिकली स्टोर या यहां पर डेटा को स्टोर करने के लिए जो एक लॉजिकल डिवीजन होता है, लॉजिकल डिवीजन मैंने आपको बताया अभी, हार्ड डिस्क आपने 1 TB लगा रखी है, उसके अंदर ड्राइव आपने अलग अलग बना रखे हैं अलग अलग साइज के हिसाब से, तो वो आपका क्या कहलाता है, यहां पर आपका पार्टीशंस कहलाता है, ठीक है। और अब आपका जो कह रहे हैं कि यहां पर जो TTY ऊपर हमने पढ़ा था जो कमांड को इनपुट आउटपुट लेने के लिए हेल्प करता है, तो इस TTY का मतलब होता है टाइपराइटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये डिवाइस होता है, मैंने आपको पहले बताया था। अगला सवाल आपके सामने है, व्हाट डज FHS, मैंने बोला था FHS का फुल फॉर्म लिख लेना, बताओ यहां पर FHS का फुल फॉर्म क्या होता है। अल्फाबेट अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ गया भाई, मेरी मेहनत की हुई आपके लिए सक्सेस हो गई, पानी तक खत्म हो गया आपकी क्लास के लिए। चले भाई, FHS का मतलब होता है फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड, ए वाला ऑप्शन जिन्होंने दिया उनका बिल्कुल एकदम आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, FHS का मतलब होता है फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इन नोड इन फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम में इन नोड का मतलब क्या होता है, लिखो अब, फाइल सिस्टम में इन नोड क्या होता है। असितिवा मीणा, अस्तित्व मीणा, चलिए बिगिनिंग है ये, चलो लिखो 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 जल्दी भाई। तो देखो भाई बात चल रही है यहां पर आपके इन नोड, यहां पर फाइल सिस्टम के अंदर बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, कोई कह रहा है सी होगा, कोई कह रहा है ए होगा भाई, देखो इसीलिए तो मैंने आपको साथ ही साथ में करवाए थे कि भाई आप समझते रहो, क्योंकि समझोगे नहीं तो फिर आपको आगे जाके कंफ्यूजन होगा। चलिए भाई, तो यहां पर देखो फाइल सिस्टम के अंतर्गत इन नोड को लेकर बात चल रही है, इन नोड का मतलब होता है एक डेटा स्ट्रक्चर, इन नोड एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फाइल के संबंधित जो मेटा डेटा होता है उसको स्टोर करता है, मेटा डेटा मतलब उसके रिलेटेड जो अन्य जानकारी होती है वो मेटा डेटा होती है, इसको स्टोर करने का काम जो है डेटा स्ट्रक्चर करता है वो होता है आपका इन नोड। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, व्हाट इज द अप टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिनक्स सिस्टम, मैंने आपको बताया था अभी याद करवाया था लिनक्स के संदर्भ में यहां पर अप टाइम क्या होता है।
अस्तित्व में ना डेटा, वो डेटा इज कॉल्ड। चलिए अब टाइम को भी अभी तक आपने नहीं लिखा है, याद नहीं हुआ तो इसको ट्रिक लिख दो, अब टाइम लिख के इसको यहां पर लिख दो रीबूट, बस इतना सा लिख दो, ये जहां पर भी वर्ड लगे आपको उसको कर दो। द टाइम ऑफ ए सिस्टम हैज बीन रनिंग सिंस द लास्ट रीबूट, लास्ट रीबूट के बाद में सिस्टम कितना चला है, तो वो टाइमिंग आपका क्या होगा इसमें, अप टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे? अप टाइम कहलाएगा। अगले आगे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, 36वां, बहुत नजदीक है क्लास के अंतर्गत, ठीक है। 36वां पॉइंट है कर्नल पैनिक क्या होता है। कर्नल पैनिक का सवाल यहां पर आपके DSSB एग्जाम में और KV दोनों में आ चुका है। कर्नल पैनिक का मतलब होता है एक क्रिटिकल एरर इन द लिनक्स कर्नल, लिनक्स कर्नल के अंतर्गत एक प्रकार की क्रिटिकल एरर होती है दैट रिजल्ट इन द सिस्टम बिकमिंग अनयूजेबल। लिनक्स कर्नल में एक ऐसी एरर आ जाए या ऐसी क्रिटिकल एरर आ जाए जिससे आप उस सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, अनयूजेबल हो जाता, वो होता है कर्नल पैनिक। दुखे होगा। अगर डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ए सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी दैट प्रोग्राम रिलाइज ऑन द फंक्शन, ठीक है। आपकी जो भी सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी होती है उसको आपके कार्य यानी उस फंक्शंस में लाने के लिए जो यूज होता है वो होता है आपका कौन, डिपेंडेंसी। अगला आता है बाइनरी, ये इतना कुछ खास नहीं है। बाइनरी का मतलब क्या है इसमें, एक्जीक्यूटेबल मशीन कोड दैट कंप्यूटर कैन बी रीड डायरेक्टली, ये तो आपको पता ही होगा बाइनरी 01 वाला कॉन्सेप्ट। अगला आता है रेड, रेड का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर आया हुआ है, कई दफा आ चुका है, कंप्यूटर टीचर एग्जाम में भी आ चुका है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, लिखो एक बार सभी के सभी, रेड का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अभी रेड क्या होता है, ए स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट कंबाइन मल्टीपल डिस्क ड्राइव इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब आपके पास मल्टीपल डिस्क है, यहां पर मान लो ये सी है, ये डी है, ये ई है, अब इसको आपको अगर एक सिंगल यूनिट के अंदर लेके आना है, यहां पर एक सिंगल यूनिट में लाना है, तो ये काम कौन करता है, रेड करता है। रेड का फुल फॉर्म रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, याद हो गया आपको। अब ये एक ऐसी स्टोरेज टेक्नोलॉजी होगी जिसमें जो लॉजिकली मल्टीपल जितने आपके जो यहां पर डिस्क ड्राइव है उनको ये क्या करता है, सिंगल लॉजिकल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। अगला आता है माउंट पॉइंट क्या होता है। माउंट पॉइंट का मतलब होता है ए डायरेक्टरी इन फाइल सिस्टम वेयर एन एडिशन फाइल सिस्टम इट अटैच्ड, जो आपका फाइल सिस्टम का जो एडिशन होता है वो आपके यहां पर मेमोरी के अंदर जिस जगह पर होता है वो होता है आपका माउंट पॉइंट। कहां पर होता है भाई, माउंट पॉइंट के अंतर्गत होता है। अगला पॉइंट देखिए आपके CH मोड क्या आया, ये सवाल ध्यान रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी से बड़े व्यक्ति को पूछ लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। CH मोड का मतलब होता है चेंज मोड, ए कमांड यूज टू चेंज फाइल परमिशन, एज इट इज इसको रट लेना पूरा का पूरा, एक ऐसा कमांड जिसके माध्यम से आप किसी भी फाइल कमांड की जो परमिशन होती है उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा आप किस में कर सकते हैं, चेंज मोड, CH मोड के अंतर्गत कर सकते हैं। अगला आता है सिस लॉग, जिसको बोलते हैं सिस्टम लॉग, क्या है भाई ये सिस लॉग, तो सिस लॉग के अंदर ध्यान रखना ये होता है ए सिस्टम लॉगिंग सर्विस दैट कलेक्ट एंड लॉग सिस्टम मैसेज, सिस्टम के ऊपर जितने भी मैसेज आए हुए लॉग्स आए हुए हैं उनका यहां पर जो है क्या करता है, ये लॉग जो है सर्विस यहां पर कौन बताता है, ये कलेक्ट करता है, सिस लॉग बताता है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार देख लो इसको, ए सिस्टम लॉगिंग सर्विस, सिस लॉग मतलब एक सिस्टम लॉगिंग सर्विस है जो कि सिस्टम के ऊपर जो भी मैसेज आ रहे हैं सिस्टम रिलेटेड उसको कलेक्ट करने का काम करता है। अगला आता है आपके क्रॉन, क्रॉन क्या होता है भाई, ए यूटिलिटी फॉर शेड्यूलिंग टास्क टू रन ऑटोमेटिकली एज स्पेसिफिक इंटरवेल, जब भी इंटरवेल्स होगी सिस्टम के अंतर्गत तो उस समय उसको एग्जीक्यूट होना है, तो कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको आप उस समय एग्जीक्यूट करने के लिए छोड़ देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है इसके अंदर, क्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रॉन कहलाता है। यहां पर ये जो पॉइंट है समझ लेना, CH मोड होता है वो फाइल परमिशन का जो मोड होता है वो चेंज कर देता है यहां पर आपके, दूसरा सिस लॉग ये होता है जो कि सिस्टम के ऊपर जितने भी लॉग्स और मैसेज आ रहे हैं उसको कलेक्ट करता है, क्रॉन क्या करता है किसी भी टास्क को शेड्यूल करने का काम करता है इंटरवेल करने के, इंटरवेल के दौरान एग्जीक्यूट होने के लिए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, सवाल है व्हाट इज कर्नल पैनिक इन लिनक्स, लिनक्स के अंदर कर्नल पैनिक क्या होता है बताइए। अप टाइम लास्ट रिबूट, बहुत शानदार भाई, लिखो लिखो भाई जल्दी से, कर्नल पैनिक को लेकर दुख दे रहा है तो अब देख लो, आपको ट्रिकली बता दिया था, ठीक है।
चलिए भाई, आवाज को लेकर भी कोई इश्यू रहता तो आप बता दीजिएगा सभी। चलिए भाई, तो देखो यहां पर बात चल रही थी कर्नल पैनिक्स को लेकर। तो कर्नल पैनिक की जब भी बात आती है तो क्रिटिकल एरर पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। लिनक्स कर्नल में आने वाली क्रिटिकल जो एरर होती है उसको क्या कहते हैं, कर्नल पैनिक कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, व्हाट डज द टर्म डिपेंडेंसी रेफर टू इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान अगर आपको डिपेंडेंसी जो टर्म्स देखने को मिलती है तो उसका मतलब क्या होता है, बताइए यहां पर। चलिए भाई, लाइव चैट भी कर लेते हैं, कल लिनक्स इंस्टॉल तो कर लिया। चलो भाई जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा आपका, क्रिटिकल एरर। अस्तित्व मीणा सर, कंप्यूटर में जो लोकल डिस्क सी होता है वो सी से क्यों स्टार्ट होता है। ए और बी जो है भाई वो आपको बिल्कुल यहाँ पर जो है नीचे नरेश जी ने भी बता दिया है, वो फ्लॉपी ड्राइव के लिए यहाँ पर है रिजर्व किए हुए, ध्यान रखना, इसीलिए वो सी से स्टार्ट हो रहा है। रश्मित दवे, नितेश महला, चलिए। तो देखो यहाँ पर बात चल रहा है कि आपका जो डिपेंडेंसी है उसका मतलब क्या होता है। सिस्टम के अंदर डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी जो कि प्रोग्राम को फंक्शंस के तौर पर रिलाइज करती है वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर आपका डिपेंडेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, डिपेंडेंसी। अगला सवाल, व्हाट इज बाइनरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो इस पे टाइम देने का कोई मतलब है नहीं, आपका बाइनरी मतलब जो डेटा होता है बाइनरी फॉर्म में आपका जो एक्सेस होता है, तो ये एग्जीक्यूटेबल मशीनी कोड होते हैं, तो वो यहाँ पर इसके अंदर रहते हैं, कोई इतना खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप, व्हाट डज द रेड स्टैंड फॉर इन द रियल एम इन स्टोरेज टेक्नोलॉजी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइप का गड़बड़ है, आपको यहाँ पर रेड का फुल फॉर्म बताना है, जल्दी से बता दीजिए भाई। आपको दो से तीन बार याद करवाया था मैंने रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा फास्ट लिखे भाई सभी के सभी। रेड का फुल फॉर्म देखिए, रेड का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। क्या होता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जिसमें मल्टीपल जो डिस्क होती है उसको लॉजिकली एक सिंगल यूनिट में क्या कर देते हैं, उसको बांट देते हैं, ध्यान रखिएगा, सुपर यूजर सुडो। अगला, व्हाट इज द माउंट पॉइंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिनक्स सिस्टम। लिनक्स सिस्टम में माउंट पॉइंट का क्या मतलब होता है, थोड़ा फास्ट करें भाई जल्दी से, बहुत नजदीक है हमारे, 50 पॉइंट है जिनको हम जल्दी से जल्दी क्रिएट करना हमें। चलिए, तो देखो माउंट पॉइंट का मतलब क्या होता है, फाइल सिस्टम, लिनक्स फाइल सिस्टम के अंतर्गत माउंट पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर आपके एडिशनल फाइल सिस्टम जो है वो अटैच होते हैं, ऐसी डायरेक्टरी जहां पर, एक ऐसी डायरेक्टरी जहां पर आपके एडिशनल फाइल सिस्टम अटैच किए जाते हैं उसको कहते हैं माउंट पॉइंट। अगले 46वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। 46वां पॉइंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और 50 पॉइंट हमें क्लियर करने हैं। 44वां पॉइंट है आपका, फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है, ए यूनिक आइडेंटिफायर एसोसिएट विद एन ओपन फाइल ऑफ और अ प्रोसेस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जो भी आपका इनपुट आउटपुट स्ट्रीम चल रहा है उसके साथ एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, जो कि आपकी फाइल को ओपन करने में हेल्प करता है। फाइल को ओपन करने के दौरान आपको पता होगा कि आप उसमें फाइल नेम का यहाँ पर जो है आपको ध्यान होना जरूरी होता है, तो वो होता है फाइल डिस्क्रिप्टर। ये इतना कुछ खास नहीं है, पॉइंट यहाँ पर 45वां देखें आप, जो कि इंपॉर्टेंट है, सेल वेरिएबल को लेकर, एक ऐसा सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू विद इन अ सेल स्क्रिप्ट और कमांड। सेल स्क्रिप्ट और कमांड के अंतर्गत जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं उसको कहते हैं यहाँ पर आपका सेल वेरिएबल। और सेल प्रॉम्प्ट क्या करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यूजर के द्वारा अब इनपुट और आउटपुट किया जा सकते हैं, यानी जो रेडी टू यूज है आपका इनपुट और आउटपुट के लिए। अगला था DNS, जिसको यहां पर आपके अभी जो SKNU जो एग्जाम था उसके अंदर, शायद प्रोग्रामर के एग्जाम के अंदर इसका फुल फॉर्म था आपके DNS, मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ए सिस्टम दैट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस, ठीक है, आपको ध्यान रखोगे ह्यूमन रीडेबल जो कोड्स के अंदर कन्वर्ट होगा IP से। अगला आता है आपका यहाँ पर आपका फायरवॉल के अंतर्गत ध्यान रखना है, ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि मॉनिटर करता है या कंट्रोल करता है इनकमिंग या आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। इनकमिंग जो यहाँ से बाहर जा रहा है सिस्टम से बाहर या सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, तो ऐसे नेटवर्क ट्रैफिक को यहाँ पर ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, ध्यान रखिएगा, और उसको कंट्रोल भी करता है। अगर कोई हार्मफुल मैसेज आ रहा है तो उसको ये क्या कर देगा, अवॉइड करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, बाहर ही रखेगा, अंदर नहीं आने देगा। अगला
अगला पॉइंट देखिए जो कि है ग्रब को लेकर, और ग्रब को लेकर फुल फॉर्म बिल्कुल परीक्षा में यहाँ पर हाई लेवल एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ग्रब का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर क्या होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। क्या होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। द बूट लोडर यूज टू मैनेज द बूट प्रोसेस ऑफ लिनक्स सिस्टम। लिनक्स सिस्टम के अंदर आपको पूछा जाएगा, लिनक्स सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर जो है बूट प्रोसेस को कौन हैंडल करता है, तो लिनक्स सिस्टम में बूट प्रोसेस को हैंडल करने का काम करता है ग्रब। कौन करता है, ग्रब, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। अगला है आईओ रीडायरेक्शन। आईओ रीडायरेक्शन का मतलब होता है रीडायरेक्टिंग इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम ऑफ ए कमांड कमांड टू फ्रॉम अ फाइल और अनदर कमांड। अनदर, अगर आपका कोई कमांड इनपुट आया है या कोई अनदर कमांड आपका आउटपुट है, तो उसको यहां पर रीडायरेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है, आईओ रीडायरेक्शन। और लास्ट आता है आपका एलवीएम। एलवीएम का मतलब होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। क्या होता है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। ए सिस्टम फॉर मैनेजिंग लॉजिकल वॉल्यूम इन लिनक्स प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन डिस्क स्पेस एलोकेशन। आप किसी भी, आपने एक डिस्क इंसर्ट कर दी उसके अंदर, अब उस डिस्क को लॉजिकली आपको अलग अलग पोर्शन में बांटना है, तो वहां पर आपको कौन हेल्प करता है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। और एकदम फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड भी करता है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे लिनक्स के 50 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, और जाते जाते आप इन पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़े इनके भी एमसीक्यूज के आंसर आप दे दें जल्दी से। फाइल डिस्क्रिप्टर जो होता है वो क्या होता है लिनक्स के अंतर्गत, लिनक्स में फाइल डिस्क्रिप्ट का क्या कार्य होता है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि फाइल डिस्क्रिप्ट के अंतर्गत मतलब होता है आपको ओपन फाइल कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि आपकी फाइल जब आप ओपन कर रहे होते हैं इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम से, तब आपको हेल्प करता है कौन, फाइल डिस्क्रिप्टर। अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर है, आपको इसको देखिए और इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से संबंधित आपका जो डीएनएस होता है उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है भाई, डोमेन नेम सिस्टम आपका इसके अंतर्गत फुल फॉर्म हो चुका है। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, विच कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बूट प्रोसेस फॉर लिनक्स सिस्टम। मैंने आपको बोला था ये सवाल आपको जरूर मिलेगा, बताओ अब यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर आपका सही आंसर क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट है जो कि आपको यहाँ पर जो है हेल्प करता है इसके अंतर्गत बूट प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, किसका यूज होता है, भाई लिख दीजिए। तो देखो यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंपोनेंट होता है वो होता है आपका क्या, ग्रब। क्या होता है भाई, ग्रब। ग्रब क्या मतलब क्या होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये क्या करता है, आपके जो बूट प्रोसेस होती है उसको हैंडल करने के लिए आपका यूज लिया जाता है, जाने के का, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर कर लेनी है आपको। अगला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज आईओ डायरेक्शन यूज्ड फॉर लिनक्स। व्हाट इज आईओ डायरेक्शन यूज्ड फॉर इन लिनक्स। आईओ रीडायरेक्शन यहां पर जो है क्यों यूज किया जाता है, या इसका क्या यूज है, आपको यहां पर यह बताना है। लिखो लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो भाई जल्दी से, ताकि आपको मैं जल्द से जल्द फ्री कर दूं। बिल्कुल आंसर थोड़ा सा फास्ट देंगे तो उससे क्या होगा, आपका भी टाइम बच जाएगा। चलिए, ग्रैंड यूनिफाइड किचन रीडायरेक्शन, ग्रैंड यूनिफाइड लोडर, बिल्कुल। चलिए तो यहां पर आपका बात चल रहा है कि रीडायरेक्शन को लेकर, तो आपकी जो कमांड आ रही है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए उसको रीडायरेक्ट करने का कमांड कौन, काम कौन करता है, तो वो करता है आपका आईओ रीडायरेक्शन। एक चीज और भी याद रखिएगा, अगर लिनक्स और विंडोज दोनों का पूछ ले तो लिनक्स के अंदर आपका आ जाता है कौन सा, ग्रब, जिसको ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर कहते हैं। लिनक्स के अंदर अगर आपको बूट प्रोसेस को यहाँ पर जो है मैनेज करना है तो उसके लिए किसका यूज होता है, ग्रब का। लेकिन विंडोज में अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है विंडोज बूट लोडर, WBL, ठीक है। विंडोज बूट लोडर जो होता है वो यहाँ पर आपका हेल्प करता है। तो आज क्लास आपके लिए बहुत ही मजेदार रही थी, और जिस विश्वास के साथ मैंने आपकी क्लास डिजाइन की थी
उस टाइम से मुझे लगा था कि आपके लिए जो है आज की क्लास बड़ी मजेदार होगी। तो अब आप जल्दी से सजेस्ट करें कि नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा होना चाहिए। लेकिन क्लास के अंदर जितना ज्यादा कैंडिडेट होगा उतना ज्यादा मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। वैसे आज आपने मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए आप इतने जो जुड़े हुए हैं उनमें से 22 कैंडिडेट ने बिल्कुल सपोर्ट किया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को माना, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया अब उनको जबरदस्ती तो हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट यही की जाती है हमेशा कि इसको आगे शेयर कर दिया करें आते ही। इससे आपको भी पता चलता है कि आपका लेवल क्या है इतनी सारी भीड़ के बीच में, ठीक है। नहीं तो आप खुद ही मन ही मन खुश रह रहे हैं कि भाई मैं तो आंसर सही दे रहा हूँ, सब मैं अपर हूँ। लेकिन जितनी ज्यादा भीड़ के अंदर आप आंसर दे रहे हो वहां पर आपका सही हो रहा है, तो लेवल भी आपको पता चलता है। ये होता है इसका बेनिफिट शेयर करने का या लाइव स्ट्रीम ज्यादा होने का। चलिए भाई, टेलीग्राम लिंक आपका शेयर कर दिया है, ऊपर आपको पिन कर भी रखा है, ठीक है। मैं टेलीग्राम लिंक वापस भी आपको शेयर कर देता हूँ। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे टॉपिक्स को लेकर सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम से मैं ज्यादातर टॉपिक्स को उठा देता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का जो टॉपिक है वहां पर मैं आपको अभी और भी दे दूंगा, तो वहां पर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और वहां पर बिल्कुल आपको जो भी इश्यूज आते हैं मैं वहां पर आपको इसकी हेल्प भी कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों का लिंक मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, कोई भी बात इश्यू इसके अंदर नहीं आ रहा है आपके। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे चुका हूँ, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो मेरा ये मानना है कि अब क्लास के अंदर तो आप कमी क्या ही रखी होगी, ठीक है। पिछले जो 3.5 घंटे की जो मेहनत थी वो पूरी मैंने आपके सामने दमखम के साथ रखी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट आपके लिए पीछे रहा होगा, ठीक है। और डॉस और लिनक्स के कमांड स्पेसिफिक एक क्लास मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। क्लास बिल्कुल आपके लिए इसी प्रकार शानदार जो है मजा होगा। चलिए भाई, सी प्रोग्रामिंग अस्तित्व में ना, चलिए। तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर मैसेज सजेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से कंपनी रिलेटेड चीज़ें जो है वो उठा दी जाएगी। क्लास अच्छी लगी तो उसको जल्दी से आगे शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार आप अपने पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ते रहें। एग्जाम का होना होगा, सब हो जाएगा, एग्जाम अपने तय समय पर ही होगा। इधर उधर की बातों पर ध्यान दो मत, माता रानी का जयकारा लगाओ और अगले नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद।